हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 13.7 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं, अगर फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है तो वो भी करेंगे एंड देन अपने सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो रिवॉल्व वाला एरिया है, अभी के लिए उसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें कोई भी राइट ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास एक राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि लार्जेस्ट साइड जो है हम इसे ही देते हैं, हमेशा अपनी हाइपोटेन्यूज को लार्जेस्ट साइड देंगे। सो मैंने इसको 13 ले लिया, फिर अब यहाँ पे ले लो, आप इसे 12 ले लो और ये हमारा जो बेस है ये 5 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर है उसकी साइड पे हमने इसे रिवॉल्व कर दिया। तो रिवॉल्व से इसका मतलब ये आता है कि बिल्कुल उसकी ओर मैंने एक और, जिस तरीके से उसकी राइट हैंड साइड पे ट्राइंगल था वैसा ही ट्राइंगल हमने उसके दूसरे साइड पे ड्रॉ कर लिया। सो अगर आपको धीरे धीरे यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉनिक फिगर आने वाला है, ठीक है। सो अगेन अगर हम इसके डायमेंशंस को देखें, सो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है दिस विल रिमेन सेम 12 सेंटीमीटर, राइट। बट अगर मैं यहाँ पर लेट्स से ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। सो ये हमारा जो पूरा है ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं अपनी दोनों ही स्लैंटिंग हाइट की बात करूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अगर हम बेस की बात करें तो अगर रेडियस है, ये रेडियस 5 है, तो ये बाकी भी कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। सो अगर एक पूरे कॉनिक सेक्शन की तरह, एक कोन की तरह मुझे इसे देखना है तो फिगर शुड बी लाइक दिस, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना है। सो हमें पता है, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सो हमें पता है दैट वॉल्यूम ऑफ द कॉनिक सेक्शन और कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारी क्या हो गई, हमें सब कुछ जो भी गिवन है, आर हमें यहाँ पे गिवन है, एच हमें गिवन है, बहुत इजीली अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और फाइंड कर सकते हैं। सो 1/3 देन उसके बाद पाई की वैल्यू अभी हम इसमें नहीं पुट करेंगे। आर कितना है, आर हमारा एक साइड लेना है। सो अगर हम इस पूरे नीचे इसके बेस को एक सर्कल अज्यूम करें, सो जितना हमने आधा जो हमारे राइट ट्राइंगल का बेस था फर्स्ट पॉइंट पे उसको ही हम आर लेने वाले हैं। सो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन एच इज 12, जो हमारा हाइट है वो कितनी है, 12 है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 4 इज 100, सो दिस वुड इक्वल्स टू 100 पाई। और ये किसमें हमें गिवन है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। वाय, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या निकाला है, या फाइंडिंग हियर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेंड। सो द सॉलिड इज समवट लाइक अ कोन और उसका वॉल्यूम निकालना है, दैट मीन्स क्यूबिक में इसका आंसर आने वाला है। सो हेंस द आंसर इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चले अब बढ़ते हैं इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।